प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है। हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ चंद्र गहना से लौटती बेर का क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके जो रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, आज इसका हम जो है चंद्र गहना से लौटती बेर का प्रश्न उत्तर जो क्वेश्चन आंसर है वह समझाने जा रही हूँ। इससे पहले जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ, इसके लिए आप आई बटन क्लिक कीजिएगा तो चंद्र गहना से लौटती बेर का फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और अभी जो है क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। आई बटन के बगल में 3 डॉट वाले आइकन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को स्पीड या स्लो में आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, और मेरे वीडियो के क्वालिटी को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। यह एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है, चंद्रगहना से लौटती बेर का यह क्वेश्चन है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। आंसर है, सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसका पूरा विकास हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए, यह भी आ सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, अलसी अल्हर नायिका है, उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से हठीली है, उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं, वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है, जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है, या यह भी हो सकता है कि अलसी को हठीली क्यों कहा गया है। इसका आंसर यह है कि अलसी को हठीली कहने के 2 कारण है। पहला कारण क्या है, वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उगाई है, मतलब उसको कोई बोता भी नहीं है फिर भी वह चने के साथ उग जाती है, माने चने में वह रहती है, उसका बीज रहता होगा, इसके कारण वह हठपूर्वक उगाती है। और दूसरा है, वह अपनी पतली देह के साथ बार बार झूमती है, झुकती है और फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए इसको हठीली कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। इसका आंसर है, सरोवर के जल में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो यूं लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा है, रंग चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम बन पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरा चना आकार में ठिगना है, मतलब छोटा है, आज वह दूल्हे के रूप में सज संवर कर खड़ा है, उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी बना रखी है, इस प्रकार वह सुशोभित हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो आंसर है, कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, और पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारे, फाग गाता मास फागुन है कई पत्थर किनारे, पी चुके चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी।
अब जो है बीते के बराबर क्वेश्चन है, बीते के बराबर ठिगना मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं के सौंदर्य उभर पड़ा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। जैसे मेर, उत्तर होगा इसका मेर कोमा हठेली कोमा सयानी कोमा ब्याह मंडप कोमा फागुन और कोमा पोखर कोमा खंभा कोमा चमकाता कोमा चट कोमा झपाटे कोमा सुग्गा कोमा जुगल जोड़ी और कोमा चुप्पे चुप्पे। अब क्वेश्चन यह भी आ सकता है आपको कि क्वेश्चन चने के पौधों को ठिगना क्यों कहा गया है, वह किस प्रकार सजकर खड़ा है। तो इसका आंसर देंगे, चने के पौधों को ठिगना इसलिए कहा गया है क्योंकि वे लंबाई में अधिक ऊंचे नहीं हैं, उसके सिर पर गुलाबी फूल उगाया है, उसके कारण ऐसा लगता है मानो वह सज धर कर धज कर दुल्हा बना हुआ है। अब क्वेश्चन दूसरा यह है, क्वेश्चन कवि ने खेत में खड़े हरे चने और अलसी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर ये होगा, कवि ने खेत में खड़े हरे चने और अलसी के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही श्रृंगारिक शैली में किया है। कवि ने चने को सजे धजे एक छोटे से दूल्हे का रूप दिया है जो सिर पर गुलाबी साफा बांधे हुए हैं, उसी के साथ सटकर खड़ी अलसी मानो उसकी प्रेमिका है जो प्रण निवेदन कर रही है। अलसी का दुल्हन के रूप में चित्रण करते हुए कवि ने उसे प्रेम से रूठ जाने वाली शरीर से छरहरी पतली कमर वाली बताया है। इस प्रेमिका ने अपने सिर पर नीला फूल रखा हुआ है, वह मानो संकेत कर रही है कि यदि मुझे कोई प्रणय भाव से स्पर्श करे तो अपने सिर पर रखा फूल उस पर चढ़ाकर मैं यह संकेत दे रही हूँ कि इस फूल के रूप में मैं उन्हें तुम्हें अपना हृदय दे दूंगी। इस प्रकार कवि ने चने और अलसी के सौंदर्य का चित्रण उस प्रेमी युगल के रूप में किया है जो अभी कुछ ही क्षणों में प्रणय सूत्र मतलब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता का प्रतिपाद्य क्या है। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि प्रकृति के गोद में बैठकर प्रकृति के उपादानों के द्वारा मनुष्य में प्रेम अनुराग प्रणय आत्मीयता मानसिक विश्राम जैसे आनंद का जितना अनुभव होता है उतना नगर के हलचल पूर्ण जीवन में संभव नहीं है। प्रकृति की गोद में बैठकर मनुष्य को संपूर्ण वातावरण अनुरागमय दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर यह भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि पोखर के सौंदर्य का वर्णन इस कविता के आधार पर कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता में पोखर का वर्णन किया है, उसके जल में वायु के स्पर्श से लहरें उठ रही हैं, उसके तल में भूरी घास भी उन लहरों के साथ हिल रही है, सूरज का प्रतिबिंब पोखर के जल में पड़कर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा सा दिखाई देता है, उसके किनारे पड़े हुए पत्थरों को से पोखर का पानी छूता है तो ऐसा लगता है मानो ये प्यासे पत्थर पानी पी रहे हैं। उस पोखर के जल में चिकनी और चमकीली मछलियां हैं जिन्हें अवसर मिलते ही जल में खड़े बगुले खा रहे हैं, उसी जल के ऊपर टिटहरी नामक काले सिर सफेद पंख और पीली चोंच वाली चिड़ियां मंडरा रही हैं, मछलियां दिखने पर वे झपट्टा मारकर उन्हें जल से पकड़ लेती है और चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है। अब क्वेश्चन यह भी आ सकता है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए कहा गया है और क्यों। इसका आंसर है, यह कथन गांव की एकांत प्रेममयी धरती के लिए कहा गया है। क्यों? तो गांव में दूर दूर तक फैले खेत हैं, उसमें प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सज धज कर प्रेम प्रकट कर रही है, मानो प्रकृति श्रृंगार ये खरी है और स्वयंवर रचा रही है।
यह धरती न केवल प्रेमपूर्ण बल्कि उपजाऊ भी है, इसलिए कवि ने यह कथन कहा है। अब छोटा क्वेश्चन अगर रहेगा 2 मार्क्स वाला, तो इसका भी आंसर आपको मैं लिखा दे रही हूँ। जैसे क्वेश्चन में यह भी आ सकता है, बगुला ध्यान लगाए क्यों खड़ा है, उसकी गतिविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखिए कि बगुला जल में तैरती मछलियों का शिकार करने के लिए ध्यान लगाए खड़ा है। जैसे ही उसे कोई मछली अपनी ओर आती दिखाई देती है, वह बड़ी फुर्ती से जल में चोंच मारता है और मछली को चोंच में दबा लेता है। क्वेश्चन ये छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, और क्वेश्चन आगे और है। काले माथ वाली चिड़िया अपने सफेद पंखों से क्या करती है, उसकी मानसिकता स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखिएगा, काले माथ वाली चिड़िया अपने सफेद पंखों की सहायता से जल की सतह पर जोर से झपट्टा मारती है। वह जल के अंदर तैरती एक उजली चंचल मछली को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते ही शिकार कर लेती है, उसे खा जाती है। अब चित्रकूट की पहाड़ियों का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आगे चित्रकूट की पहाड़ियों की विशेषताओं पर कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार प्रकाश डालिए। तो आंसर यह है, चित्रकूट की पहाड़ियां आकार में चौड़ी हैं, अनगर हैं तथा कम ऊंची हैं। वे बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हैं, उनके चारों ओर अनुपजाऊ भूमि है, जहां पर कुछ भी उपज नहीं होता है, उस पर रीमा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। और क्वेश्चन आगे और है, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में वर्णित ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति का अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, इस कविता में ग्रामीण संस्कृति को प्रेम सौंदर्य और शांति की भूमि कहा गया है। यहाँ नित्य प्रकृति नए नए खेल खेला करती है, चारों ओर सौंदर्य का साम्राज्य है। उधर नगरीय संस्कृति व्यापारिक है, वह भागदौड़ और तृष्णा को महत्व देती है। क्वेश्चन और है आपको, चंद्रगहना से लौटती बेर में वर्णित सुग्गे मतलब तोते का स्वर कैसा लग रहा है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तोते टेंटे स्वर से सारे वातावरण को मिठास से भर रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है, इस कविता में कवि कहाँ बैठा हुआ चित्रित हुआ है, उसके द्वारा देखे गए 2 दृश्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, इस कविता में कवि एक खेत की मेर पर बैठा हुआ है। वह अपने सामने देखता है कि चने के पौधे दुल्हे की तरह सजकर खड़े हैं और अलसी के पौधे दुल्हन की भांति खड़े हैं, मानो शीघ्र ही उसका विवाह होने वाला है। एक तरफ तालाब है जिसमें बगुला ध्यान लगाए खड़ा है और वह मौका पाते ही मछली पकड़कर निगल लेता है। अब क्वेश्चन छोटा एक और रहे ये रहेगा, सारस की टिल्टो टिल्टो ध्वनि सुनकर कवि की क्या इच्छा होती है। अब आंसर इसका है कि सारस की टिल्टो टिल्टो ध्वनि सुनकर कवि की इच्छा होती है कि वह सारस के संग आकाश में उड़ जाए। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपको, इस कविता में वर्णित चिड़िया कैसे रंग रूप की है और वह क्या करती है। आंसर है, इस कविता में वर्णित चिड़िया काले रंग की है, वह जल के भीतर तैरती मछली को देखते ही सफेद पंखों की सहायता से उस पर झपट्टा मारती है तथा उसे अपने चोंच में भरकर आकाश में उड़ जाती है। आशा है आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को समझ गए होंगे, और या धीमा स्पीड करके आप सुन सकते हैं, और आई बटन के 3 डॉट वाले आइकन को क्लिक करके मेरे हर वीडियो को आप स्पीड में या स्लो में सुन सकते हैं, और मेरे वीडियो के क्वालिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे फिर हम दूसरे पाठ के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।